हकीम और बशीर से ये श्लोक उद्धृत कर रहा हूं जो कि आज के प्रवचन का आधार है। उद्धृत कर रहा हूं सुदाहं प्रपन्नम जो कि आज के प्रवचन का आधार है। पूर्णत्व रूपम असंभवोपि संभव क्रियात रंगत्वा राज्य सदावतुल्यम वैताल सिद्धिम प्रभताम प्रपद्ये विक्रम नित्य। आज से 2053 साल के पहले उनका राज्य था। ये संवत 2054 चलता है और 2054 का मतलब विक्रम नित्य का ये संवत है। उस 2000 वर्ष बीत गए और वे श्रेष्ठतम राजा के रूप में पहचाने गए। यूं तो सैकड़ों राजा हुए, विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं बना, क्योंकि उसने पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अपने ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी दिव्यता, अपनी तेजस्विता और अपनी साधना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया कि जीवन में एक सामान्य सा व्यक्ति भी सफलता पा सकता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। और श्लोक में ही बताया है विक्रमादित्य अपने आप में दुबले पतले व्यक्तित्व थे। मुख्य से उनका वजन 57 किलो था और सादगी पूर्ण जीवन था। उनका बचपन अपने आप में बहुत ही छोटे सामंत के घर में व्यतीत हुआ जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं था, मगर उनके गुरु के चरणों में 11 वर्ष की अवस्था में बैठने का सौभाग्य मिला और वे गुरु थे स्वामी सतानंद जी महाराज। सतानंद जी उस समय के आर्यवर्त के अद्वितीय गुरु थे और क्रोध की साकार मूर्ति थे। हमेशा नदी के किनारे बैठे रहते और दुनिया आगे जलती रहती, पास में चिमटा रहता, इसके अलावा लंगोट के अलावा वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं। मगर उनके पास जाने में आदमी हिचकिचाता था, घबराता था, डरता था। इसलिए डरता था कि पहले तो बोलते ही नहीं थे और बोलते तो गालियां देते, और वे गालियां ही उनके लिए सौभाग्य बन जाती जिनको वे गालियां देते। और यदि किसी को चिमटे की मार मिल गई तो अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बन जाते। विक्रमादित्य 11 साल की अवस्था में उनके चरणों में पहुंचा और उनकी बराबर सेवा करता रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि तुम यहां रहे या नहीं रहे, क्योंकि उसमें राज्य घराने के व्यक्तित्व थे और इन्होंने भी वापिस घर की ओर मुंह नहीं किया, न मां न बाप न भाई न बहन न संबंधी न रिश्तेदार। एक ही उद्देश्य, एक ही कार्य की यदि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, इसी गुरु से प्राप्त हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर मैं सामान्य साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ मर जाऊंगा, क्योंकि ऐसा जीवन क्या काम का जिसमें कोई साधना ही नहीं हो, कोई सिद्धि नहीं हो, कोई गुरुत्व नहीं हो, पूर्णता नहीं हो, सफलता नहीं हो। वह जीवन अपने आप में एक बेकार और साधारण जीवन कहा जाता है। 3 महीने बाद एक दिन गुरु जी ने कोई गुरु मंत्र दिया, ने कोई साधना दी, उनका कि यहां क्यों बैठा है, क्या काम कर रहा है, उठ यहां से भाग जा। उन्होंने कहा महाराज आना तो मेरे हाथ में था, अब जाना मेरे हाथ में नहीं है, और आप अगर ठेल भी देंगे तब भी मेरा इस संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब मिट्टी के लौंदे हैं और स्वार्थ में है। इन 3 महीनों में मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चिंगारी देखा है, एक रोशनी देखी है, सूर्य की तरह लपक देखी है। आप दुबले पतले भले ही हो, मगर आपके अंदर जो आग है, एक प्रज्वलन है, जो ज्योति है, जो तेजस्विता है, वो मैंने अनुभव की है। अब तो मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता, तो इससे पहले तो फिर भी मन डावाडोल था, अब तो निश्चित हो गया कि और कहीं मेरा स्थान नहीं है, क्योंकि मैं जिंदे जी मरना चाहता नहीं, मरूंगा भी नहीं और यहां से जाऊंगा भी नहीं।
परशुराम जी उठे और धड़ से एक चिमटा मारक ले, ये जिंदा, दूसरा मारक ले ये राज्य, तीसरा मारक ले ये सिद्धि, और चौथी मारी की सफल जा। और उनका सारे चमड़ी उजड़ गई, चार चिमटों से सारी पीठ उजड़ गई, और सदान जी उठ करके रवाना हुआ, तू नहीं जाता तो मैं जाता हूं। अब उन्होंने सोचा कि अपराध हो गया, वो गुरुदेव खुद ही चले गए तो मैं अब मिलूंगा भी किससे मिलूंगा। मगर जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। रात को उस पीड़ा से मिल मिला रहे थे, क्योंकि जहां जहां चिमटा मारा था वहां की चमड़ी उजड़ गई थी, जल रही थी। पास में एक महिला रहती थी, वह पति के साथ आई, उनके उस शरीर पर हल्दी लगाई और दूध में हल्दी मिलाकर उनको पिलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें चार चिमटे पड़े। उन्होंने कहा चार, कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति संसार में होगा ही नहीं, मैं तो रोज चिमटे खाते हुए महीने दो महीने में एक आध व्यक्ति को एक चिमटा खाते हुए देखते हैं, तुम्हारे एक साथ चार पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्या? उनके बोले तो कुछ नहीं, मैं तो समझता नहीं था। उन्होंने एक चिमटा मारा, उसने कहा ले ये साधना, दूसरे ने कहा ये सिद्धि, तीसरे ने कहा ये तो राज्य, चौथे ने कहा ये पूर्णता। उनका फिर तुम्हें और कुछ चाहिए भी क्या? उन्हें चाहिए कुछ नहीं, मगर गुरुदेव खुद ही चले गए तो अब मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्या करना है मुझे, ये कुछ मुझे मेरे आया नहीं। उसने कहा ऐसे तो सैकड़ों योगी यति सन्यासी आते रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता, तुम्हें तुमने जो निश्चय किया है उसी को संपन्न करते रहो। तुमने कहा कि मुझे घर में नहीं जाना है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, तो तुम्हारे इस संसार में कोई है ही नहीं, ये मानते हुए इस दुनिया की रक्षा करो, यहां सेवा करो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु उपस्थित है ऐसी भावना रखते हुए कार्य करते रहो। हफ्ते भर तक उनको पीड़ा सही रही, बुखार आ गया, मगर अत्यंत चित्त हल्का था, चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो गुरुदेव ने कुछ तो दिया, वरदान नहीं दिया तो मार दी, दी जरूर, लिया तो कुछ नहीं। करीब 17वें दिन सदानंद जी वापिस आए और पूछा कि तो अभी यही बैठा है? गुरु जी मैं जीवन भर यही बैठा हूं, बस आज नहीं, कहां जाऊंगा? आप चले गए, ये आपकी मस्ती है मौज है, पर मैं कहां जाऊंगा? क्यों तेरा घर नहीं है? कोई घर नहीं है, धूनी है और आप हैं और मैं हूं। और उन्होंने दीक्षा दी, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था 15 दिन में क्या स्थिति बनती है, इस असह्य मार से या तो भाग खड़ा होगा, मगर तू गया नहीं, बड़ा जीवट वाला व्यक्तित्व है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। और पहली बार उनको गुरु दीक्षा दी। उसके बाद 7-8 महीने व्यतीत हुए, न गुरुदेव बोले न गए, ये बिल्कुल अपनी उनकी लंगोड़ धोता, उनको आंगन लीपता, कुटिया को ठीक करता, उनके लिए गर्म पानी करता, उनको नहलाता, तेल की मालिश करता, जो कुछ भी शिष्य के लक्षण होते हैं वे सब किए। 7 महीने का पीरियड तो बहुत बड़ा था, 7 महीने 2 या 3 दिन व्यतीत हुए तो उसने एक दिन बुलाया और जो ही पास में आया तो खड़े होकर छाती में लात मार, धड़ लात मारती, 15-20 फुट ऊपर जाके गिर गए, दुबला पतला शरीर था और आगे कंकर पत्थर थे तो सारा शरीर छिल गया। फुर्ती कर, दूसरी लात भी खानी तुझे, जल्दी कर, एक लात से आधी मौत हो गई और दूसरी लात से स्वर्ग निश्चित जाना ही मुझे, क्योंकि ये लात भी ठेठ 18 फुट गिरा दिया मुझे, दूसरी लात से तो और भी 40 फुट गिरा देंगे, मगर कह दिया जाना। दूसरी बार और गए तो उन्होंने पीठ पीछे और जोर से लात मारी तो मुंह के बल गिरे और एक दांत टूट गया, खून निकलने लगा। उनका घबरा रहा है क्या? घबराने की कोई बात ही नहीं, लात तो आपने मारी और मुझे तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, 36 फुट हवा में उड़ा। उसने कहा तुम बैठ, मैं तुझे वह साधना दे रहा हूं जो संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जिसको वीर बैताल साधना कहते हैं। और उन्होंने उस वीर बैताल साधना को उन्हें दिया, उसकी कुंजी क्या है, रहस्य क्या है, किस प्रकार से साधना की जाती है और किस प्रकार से उस साधना के माध्यम से वीर बैताल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह पूरी विधि उनको समझाई और कहा कि इसके पास एक झोंपड़ी और बना दे, वहीं बैठ के साधना कर, यहां आने की जरूरत नहीं है।
महाराज यहाँ रोज आपकी सेवा, उनका मेरी सेवा मैं खुद कर लूंगा, तुम क्या करेगा? कि दो कौड़ी का आदमी सेवा करेगा भी क्या? साल भर तो व्यतीत हो गया इनके पास रहते हुए, और दो कौड़ी का रहा तो दो कौड़ी कैसे? उनका तुम सोच रहा तुम दो कौड़ी का, दो कौड़ी का नहीं एक कौड़ी का ही है, इसमें दो ज्यादा बोल दिया लेकिन बाहर निकल जाएगा। झोंपड़ी बना करके रहने लगे, उसी मंत्र जाप करने लगे जिससे वीर वैताल प्रत्यक्ष होता है। और ये पूरे तीन महीने की साधना थी जहां प्रत्यक्ष वैताल को सिद्ध किया जाता है। तीन महीने के बाद में जब मंत्र जाप कर रहे थे तो विक्रम दिन ने कहा कि बहुत भयंकर आकृति वाला और हाथों में कई प्रकार अस्त्र शस्त्र लिए हुए सांड की तरह झोंपड़ी में घुसा और चार छह मुक्के, चार छह घूसे, चार छह लाते विक्रम दिन को मार दिया। तुम कर क्या रहे हो? मैं तो मंत्र साधना कर रहा हूं, तुम तो मुझे उल्टे मार रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि मुझे वश में करने वाले आदमी जीव शक्ति है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं और तुम्हें जीव शक्ति है इसे बताइए कि मैं आज से आपके नियंत्रण में हूं, मुझे क्या काम सौंपना है। सोचा कि उनके दांत बजने लगे कड़कड़ होंगे। वैताल जी को देखा तो उनके तो यूं शरीर थर्रा गया, हालांकि जीवन वाले व्यक्ति तो थे और विश्वास था कि गुरुदेव है तो अपने आप में कहीं चिंता की बात है ही नहीं, और मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बनाकर झोंपड़ी में रख दी थी और रोज पूजा अर्चना करके साधना सिद्ध करते। फिर भी प्रत्यक्ष में और कल्पना में बहुत अंतर होता है। प्रत्यक्ष सामने खड़ा राक्षस की तरह, महाराज ये आपका रूप थोड़ा छोटा कर रहा है, ये तो ऐसा है झोंपड़ी से बाहर आपका सिर निकल रहा है और पैर फेट पातर घुटने घुटने देख रहा हूं, पाताल में आपके पांव घुस गए, मेरे से सह नहीं होगा, जो से एक बार और लग गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, जैसे आप थोड़े धीमे से ही रहो। तो वैताल ने बिल्कुल एक मानवा कृति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, जैसा कि आप और हम सामान्य मानव हैं उसी प्रकार से उनके सामने खड़ा हुआ, कहा कि मैं आज से तुम्हारे वश में हूं, कोई भी काम किसी प्रकार की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य होगा। वे जो ये साधना संपन्न हुई गुरुदेव के चरणों पहुंचे, पास में झोंपड़ी थी उनकी कुटिया थी, गुरुदेव वहां थे ही नहीं। जब आगे क्या करना है कैसे करना है, जितना कहा उतना तो कर दिया, करूं क्या, गुरुदेव तो है ही नहीं। तभी एक सेकंड के बाद ही चिमटा खनकाते हुए गुरु आए, क्या किया तूने? राक्षस को देखा बहुत भयंकर भीम, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा, 20 आदमी मिला करके एक आदमी को बनाया तो वैसा है वो, और चलता है तो पांव जमीन में धंसते हैं घुटने तक, शरीर का कोई अता पता ही नहीं मालूम पड़ता, बहुत नरम होकर तुम्हें देखा, वह तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवान क्षमतावान छोटा मोटा शरीर है, ऐसा नरम होकर तुम्हें दिखाई क्यों? महाराज जी नरम बहुत बड़ी बात, मैं तो इतने से मैं दांत बजने लगे थे, वापिस से भयंकर आप मेरे मत रखिए। मैंने उनसे प्रार्थना की कि सिद्धि मिले नहीं मिले मगर आप थोड़ा सा कोमल सॉफ्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, कोमल हो जाए तो ठीक रहेगा। और फिर मानव कृति में वो आए और कहा कि मैं तुम्हारे वश में हूं और जो भी तुम आज्ञा दोगे वह मैं करूंगा, मगर मुझे गुरुदेव समझाइए कि मैं उनको कैसे बुलाऊं। और फिर उसी राक्षस के रूप में खड़े हुए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, रोज रोज उसको कैसे मैं देख पाऊंगा? गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि मैंने जो चिमटे मारे थे तो मैं साधना का चिमटा मारा था, सिद्धि का चिमटा मारा था और तीसरा चिमटा मारा था राज्य पात पाने का, राजगद्दी और राजगद्दी तुम्हारे इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें वहां जाना है और ऐसा राजा बनना है जो आज तक हुआ नहीं है, भविष्य में होगा नहीं, और वीर विक्रमादित्य तुम्हारा नाम रहेगा, विक्रम आदित्य जो ताकतवान है, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है और जो अपने आप में वीर है, मैं तुम्हारा यही नाम रख रहा हूं। और पूरे भारतवर्ष में आर्यभट्ट में तुम्हारा नाम गुंजित होगा, तुम्हारे नाम से समझ प्रारंभ होगा और आने वाली पीढ़ियां उस समझ के माध्यम से कार्य संपन्न करेंगी, और तुरंत निकल जा, एक क्षण भी रुकना नहीं, और जब भी वीर को तुम स्मरण करोगे अदृश्य रूप में तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जबकि और किसी को दिखाई नहीं देगा, उनको वही काम सौंपना है जो तुम उचित समझते हो, चाहे कठिन हो या असंभव हो, मगर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो घटिया हो और किसी को तकलीफ देने वाला हो या कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसा काम कभी मत करना। मगर अभी एक सेकंड के बाद निकल जाए, एक सेकंड में रुकना नहीं है।
चरण स्पर्श करके गए तो देखा कि उनके पिता के पास निमंत्रण आया है। उस समय के जो राजा थे उनका, कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूं, और वो तो बहुत छोटे संबंध थे और वो राजा उस समय काफी बड़ा था, आपस में कुछ संभव नहीं था। फिर पिता ने कहा कि तू आ गया, मुझे तो 10 महीने से इंतजार करता है, तू कहां है कहां नहीं है कुछ पता ही नहीं चला। उनका मैं खुद भी पता नहीं चलता कि कहां था, मगर अब मैं कहां उलझ गया हूं कुछ मुझे मालूम नहीं है, मगर आपकी आज्ञा पालन करना भी मेरे धर्म है। क्या आज्ञा है? उनका इस लड़की से मैं शादी कर लेनी है। शादी की और उन्होंने अपना पूरा आर्यावर्त का राज्य विक्रमादित्य के हाथ में सौंप दिया और इस कार्यक्रम को 2 या 2.5 घंटे में सब कुछ संपन्न हो गए। और इस प्रकार से वे अपने आप में पूर्ण आर्यावर्त के राज्य राजा बने और उनके जैसा शासन अपने आप में कर नहीं पाए। सारे जीवन, सारा राज्य, सारी प्रजा सुखी थी, सफल थी, सत्य बोलने वाली थी, आदर्श थी, न्यायप्रिय थी। और विक्रमादित्य का न्याय तो अपने आप में विश्व में विख्यात है कि उन्होंने कभी किसी अन्याय को अपने दामन पे नहीं लगाया। पुस्तक भी एक प्रकाशित हुई है विक्रमादित्य की जीवनी की, और एक पुस्तक प्रकाशित है विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में, जहां 32 पुतलियां हैं और जो वो सिंहासन में बैठता है एक पुतली खड़ी होती है कि देखो पहले मैं कहानी बनती हूँ सुनो, और फिर एक उलझन उनके सामने रख देती तो बताइए किसका न्याय किसको मिलना चाहिए। तो फिर वो जो कहता तो पहली पुतली शांत हो जाती, फिर दूसरी जो बैठने को फिर दूसरी पुतली खड़ी हो जाती। 32 न्याय उस सिंहासन में बैठने से पूर्व किए, और फिर ऊपर से गुरु का जो आदेश सुनाई दिया कि तुम्हें बैठ जाना है तो बैठ गए। ये सारा पृष्ठभूमि मैंने इसलिए समझाया कि जिसमें आग होती है, जिसमें चिंगारी होती है, जिसमें गुरु की लाद खाने की चिमटा खाने की ताकत होती है, जो वीर होता है, जो साहसी होता है, दृढ़ निश्चय होता है, और जिसका निश्चय इस पाद की तरह, स्टील की तरह मजबूत होता है, वही वीर वैताल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और वीर वैताल को जेब में डाल के ले आए। आप अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने माँ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वीर वैताल को कंट्रोल करना इतना आसान है? पत्नी आपके साथ में आई है, शादी करके आई है, उसको वो घुराती रहती है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई आपके नियंत्रण में नहीं रही। मगर इसके लिए आपको एक मजबूती रहनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। चाहे आप दुबले पतले हों, चाहे मोटे हों, चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, ये अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ इस बात को रखता है कि आप में संकल्प शक्ति कितनी है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आप में समर्पण कितना है। समर्पण होना चाहिए अपने आप पर, उस साधना पर और गुरु के प्रति। अगर समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साधना में सफलता नहीं पाई जा सकती। और वे गुरु तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी परीक्षा ले लेते हैं। आपको 24 घंटे किसी भी समय प्रत्यक्ष के लिए तैयार रहना है। उसमें ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा और 18 तारीख को हिंदी का पेपर होगा, 19 तारीख को मैथ्स का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पेपर वेपर कुछ है ही नहीं। जहां हुआ परीक्षा ली, आप परीक्षा में खड़े उतरे और उसके बाद में जीवन के असंभव कार्यों को वैताल के माध्यम से संभव किया। यदि आप मध्य प्रदेश में जाएं तो एक मंदिर बिल्कुल तिरछा है, ओरछा के पास। एक तरफ मंदिर 11 फुट ऊंचा, एक तरफ 18 फुट ऊंचा, ऐसा तिरछा, पर आज तक गिरा नहीं। लेकिन किसी और जगह से उसकी देवी को सिद्ध करने के लिए मंदिर को उठा करके वहां स्थापन कर दिया था। ऐसी वहां की जनश्रुति है, किंवदंती है। और ऐसे विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में, जो एक प्रामाणिक जीवनी है, उसके बारे में तो सैकड़ों घटनाएं हैं जिसके माध्यम से वो न्याय कर सके। जब भी कोई ऐसी समस्या आती तो वीर वैताल को सिद्ध कर पूछते कि क्या न्याय है, सही क्या है, इसे चोरी की है या नहीं की है, ये निर्दोष है या दोषी है। जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती वो प्राप्त कर पाते और अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच गए। कोई भी साधक इस प्रकार की साधना करके जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, असंभव कार्य को संभव कर सकता है। आप प्रयत्न करें तो व्यवहार को देख नहीं सकते, व्यवहार है कि नहीं है, मगर हवा तो है, तभी हम जिंदा है। इस समय हवा मेरे पास, आपके पास है, मगर आप देख नहीं पाएंगे, मगर उस हवा से ही हम जीवन यापन करते हैं, उस हवा से हम जिंदा हैं,
उस ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम परिपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से उस साधना में वैताल को हम सीधा दूसरे लोग देखें या नहीं देखें, मगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है, और जो भी उसको आप कार्य सौंपते हैं वह तुरंत उस कार्य को करता है। मगर आवश्यक इस बात की है कि आप में संयम रहे, निडर रहे, निर्भीक रहें, और उसको नियंत्रण में रख के न्याय के पथ पर अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त करें। इसीलिए ये साधना का महत्वपूर्ण क्षण है, और उनको जिस प्रकार के साधना के क्रम दिए वे 7 चरण हैं वीर वैताल साधना के। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, क्योंकि एक साथ उस साधना को सिद्ध नहीं की जा सकती। एक चरण जो अपना महत्वपूर्ण है, पूर्ण है, सेव आपके सामने पूर्ण है, केला भी अपने आप में पूर्ण है, रोटी भी अपने आप में पूर्ण है। सब्जी नहीं हो तब रोटी से पेट भर सकता है, खाली सब्जियां हो तो उससे भी पेट भर सकते हैं, मगर फल भी हो, रोटी भी हो, साग भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, पापड़ भी हो, ये सब कुछ है तो अपने आप में पूर्ण भोजन, वह भी पूर्ण भोजन है। ठीक उसी प्रकार से एक चरण भी अपने आप में पूर्ण है, मगर श्रेष्ठ व्यक्तित्व 7 चरण प्राप्त करते हैं जब भी उनको समय मिलता है। आपके जीवन में स्थिति बने, बाकी यह एक चरण भी अपने आप में, कोई जरूरी नहीं आप दूसरा चरण लें, कोई जरूरी नहीं 5वीं क्लास पास करने के बाद 6वीं क्लास में एडमिशन लें, 5वीं क्लास बहुत, उसे पढ़ लिख तो गए, साइन तो कर ही लेंगे, मैट्रिक पास भी करते हैं तो, और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटर पास करते हैं, फिर बीए पास करते हैं, फिर एमए पास करते हैं, उसके बाद में वकालत भी कर लेते हैं, डॉक्टरेट बन जाते हैं, वह तो चरण है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरेट प्राप्त करें ही। आप पहले 5वीं क्लास में रुक सकते हैं, वह भी अपना पूर्ण शिक्षा तो है ही, और एमए पास करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त ही है। आपके चेहरे में एमए पास करने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा कि 20 भुजाएं हो गई, 10 हाथ हो गए, 10 चेहरे हो गए, आप बड़ा लंबा छोटा शरीर, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा ही होगा। पहले आपने किशन लाल मैट्रिक लिखा, बार बोर्ड लगा हुआ है, फिर किशन लाल बीए लिख देंगे, बस फिर किशन लाल एमए लिख देंगे, मगर आपके जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो आपके अंदर होगी। पूर्णता है वह तभी प्राप्त हो पाएगी जब शिक्षा का एक अंतिम चरण जो डॉक्टरेट है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से वैताल सिद्धि के 7 चरण होते हैं, जब भी अवसर मिले गुरु से एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 चरण लेना चाहिए, दीक्षा के माध्यम से या साधना के माध्यम से। अब मैं आपको ये पहला चरण का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो आप सीधे होकर बैठे और संपन्न करें।